रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम ज़िले का एकमात्र ऐसा स्टेडियम है जहां हज़ारों खिलाड़ी विभिन्न खेलों के लिए प्रशिक्षण लेते हैं। स्टेडियम में कुश्ती, बैडमिंटन, स्विमिंग, कबड्डी, जिम्नास्टिक, बास्केटबॉल और मुक्केबाजी के लिए सुनिश्चित जगह है, लेकिन हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स के खिलाड़ियों को मैदान में ही प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैदान की सतह बराबर न होने और पूरे मैदान में घास न होने की वजह से खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने में असुविधा होती थी। खिलाड़ियों की सुविधा को देखते हुए क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी मंडल AK पांडे ने मैदान के सुंदरीकरण का कार्य शुरू करा दिया है। सुंदरीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि मैदान पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसलिए बरसात से पहले इसे सही कराना ज़रूरी था। खिलाड़ियों को इस समय थोड़ी परेशानी ज़रूर हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि जुलाई तक स्टेडियम का मैदान नए अंदाज में नजर आएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी मंडल AK पांडे ने कहा, ये मैदान की स्थिति हमारी धीरे धीरे पिछले 2 वर्षों में ख़राब हो गई थी। मैदान में वर्षा हो गया था, समतल नहीं रह गया था और ईश्वर सभी हमारा प्रशिक्षण शिविर शुरू नहीं हुआ है। ये बिल्कुल उचित समय था कि नए वर्ष का प्रशिक्षण शुरू प्रारंभ होने से पहले मैदान को ठीक से जुताई करा के बराबर करा के उसमें घास लगवा दिया जाए, जिससे कि आने वाले सत्र में अगले कुछ वर्षों तक मैदान का कार्य ठीक हो जाए और खिलाड़ियों को खेलने में असुविधा हो। इस मैदान में मुख्य रूप से फुटबॉल, हॉकी के खिलाड़ियों का फ़ायदा होगा, साथ में एथलेटिक्स का ट्रैक बहुत ख़राब हो गया था, तो एथलेटिक्स, फुटबॉल और हॉकी इन तीन खेलों के लिए ये विशेष रूप से लाभदायक होगा कि इस मैदान में ये 3 खेल खेले जाते हैं। बाकी अन्य व्यवस्थाएँ तो ठीक है, लेकिन मैदान पर खेले जाने वाले जो खेल हैं उसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल और हॉकी था, इसमें उबड़ खाबड़ होने से खिलाड़ियों को चोट लगती थी और वो समस्या दूर हो जाएगी। ये बरसात के बाद हम उम्मीद करते हैं कि ये जुलाई तक ठीक हो जाएगा, जुलाई के आखिर तक ये मैदान खेलने के लिए उपलब्ध हो जाएगा।